ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभास कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बारे में उनसे विचार तथा सुझाव मांगे। राज्य में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल। और अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ पड़ सकती हैं बौछारें, कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। आम बजट से जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का पता लगाने के प्रयास के तहत यह कदम उठाया गया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 130 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करेगा और देश के विकास की दिशा तय करेगा। ये सुझाव MyGOV.in पर भेजे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महापौर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। राज्य शासन के महापौर चुनाव के लिए जारी अध्यादेश को चुनौती देते हुए ये याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें ये कहा गया था कि शासन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से महापौर का चुनाव कराया जा रहा है, जो विधि के विपरीत है। राज्य में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। वहीं खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश कुमार पटेल पदेन उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण का गठन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। सरकार के सभी मंत्री प्राधिकरण के पदेन सदस्य बनाए गए हैं। इसका प्रधान कार्यालय रायपुर के जीई रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नए मतदाता 15 जनवरी तक मतदाता सूची में अपना नाम निर्धारित मतदान केंद्रों में जाकर जुड़वा सकते हैं। जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है या जिनके नाम, उपनाम, आयु, लिंग या फोटो में कोई गलती है, वे भी आवेदन देकर सुधार करा सकते हैं। गौरतलब है कि ऐसे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की छठी कड़ी का प्रसारण रविवार 12 जनवरी को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो चैनल और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 10:55 तक होगा। लोकवाणी में इस बार का विषय सेवा का एक साल रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के जामनगर परिसर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसे संस्था का दर्जा प्रदान करने से इसकी स्वायत्तता का दायरा बढ़ेगा और आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसका छत्तीसगढ़ में भी आंशिक असर देखने को मिला। रायपुर संभाग बीमा कर्मचारी संघ सहित कुछ अन्य कर्मचारी संघों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। इसी तरह दुर्ग में भी भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर के बाहर मजदूर संगठनों ने संयुक्त धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत मजदूर संगठनों ने अपने ज्ञापन में 12 मांगे शामिल की हैं। अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस के अजय तिर्की महापौर चुन लिए गए हैं। उन्होंने भाजपा के प्रबोध मिंज को 9 वोटों से हराया। इससे पहले हुए मतदान में अजय तिर्की को 28 जबकि प्रबोध मिंज को 19 वोट मिले, वहीं एक वोट रद्द हो गया। अंबिकापुर में कांग्रेस का महापौर निर्वाचित होने के बाद 10 में से 9 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। वहीं अब एक नगर निगम कोरबा में महापौर और सभापति के लिए मतदान होना बाकी है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी जारी हैं। राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत में कांग्रेस की राजकुमारी सिन्हा अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। वहीं कोरिया जिले के खोंगापानी नगर पंचायत में भाजपा के धीरेन्द्र विश्वकर्मा विजयी घोषित हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में किसानों से अब तक 36 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है।
वहीं धान उपार्जन केन्द्रों में 14 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान का कस्टम मिलिंग किया जा चुका है। खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को कस्टम मिलिंग में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रायपुर जिले में अब तक सबसे अधिक लगभग 1,58,000 मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग हो चुकी है, जबकि नारायणपुर जिले में सबसे कम 970 मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग दर्ज की गई है। साथ ही राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी भी चल रही है। 1760 रूपये प्रति क्विंटल की दर से यह खरीदी की जा रही है। इस वर्ष प्रदेश में 7,352 मक्का उत्पादक किसानों ने पंजीयन कराया है। इन पंजीकृत किसानों से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मक्के की खरीदी की जाएगी। खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से मक्का खरीदने के लिए नेकाफ को एनओसी जारी कर दिया गया है। खरीदी की यह प्रक्रिया आगामी 31 मई तक चलेगी। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी के निर्माण कार्य और फिल्म नीति बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रायपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर संस्कृति विभाग के कामकाज की समीक्षा की। साथ ही श्री भगत ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों सहित मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गढ़ कलेवा शुरू करने के निर्णय पर भी जल्द से जल्द अमल करने को कहा। कोरिया जिले के खड़गवां थाना क्षेत्र में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना अखरा डांड में मोटरसाइकिल और कार के बीच आपस में भिड़ंत होने से हुई। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल है। इसी तरह दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में रानीतराई थाना क्षेत्र में कल 2 यात्री बसों के बीच टक्कर होने से एक वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि 21 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर दंतेवाड़ा जिले में आज एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार कटेकल्याण से दंतेवाड़ा आ रही निजी ट्रेवल एजेंसी की बस बालूद नयापारा के पास पुल से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद कई यात्री बस में फंस गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया। और अब पेश है मौसम का हाल। राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर बने चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि चक्रवात के प्रभाव से पूरे छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, साथ ही कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास का जो लगा हुआ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। अब इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर में स्थित है और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर में स्थित है। इसके कारण से पूरे लगभग छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने के चांस है। मुख्य रूप से सेंट्रल पार्ट में एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ में हल्की बारिश होने की संभावना है और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में थंडर स्टॉर्म के साथ में लाइटनिंग भी होगा, साथ ही ओले गिरने की संभावना बनी हुई है। इस बीच आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं बदले हुए मौसम को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों हुई वर्षा और अगले कुछ दिनों में वर्षा की संभावना के मद्देनजर किसानों को सलाह दी है कि वे अपने खेतों में फसल को बचाने के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था करें। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के खिलाफ पदोन्नति में आरक्षण की नीति को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। बिलासपुर में आगामी 15 और 16 फरवरी को कानूनी जागरूकता शिविर विषय पर शॉर्ट फिल्मों का समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ी और विदेशी भाषा की फिल्मों को भी शामिल किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन जमा कर सकते हैं। और कबीरधाम जिले में चिल्फी पुलिस ने एक वाहन से 50 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बारे में उनसे विचार तथा सुझाव मांगे। राज्य में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल और अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ पड़ सकती हैं बौछारें, कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।